बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। डू यू नो व्हाट रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर? थिंक अबाउट वाटर, रीन्यू मीन्स। Think about what renew means. It means to make new again or replace. Okay, time is up. Here is the answer. Yes, renewable ka answer kya hai? Renewable resources are resources that will not run out, jo khatam nahi hote. Humans can keep using them as much as they like. For example, dekhen, air hai, oxygen hai, हम यूज़ किए जा रहे हैं तो ये चीज़ एंड तो नहीं ना हो रही। सनलाइट हम यूज़ कर रहे हैं तो सनलाइट जो है वो यू ख़त्म तो नहीं ना हो रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज फिर क्या होंगे? इसका उल्ट होगा कि जो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, और ये अगेन जो है वो बने नहीं। Wind and energy from the sun are renewable resources when used as energy sources. The earth will not run out of wind of energy or energy from the sun. ज़मीन जो है ना ही ये विंड से ख़त्म होगी और ना ही सन की रोशनी से एनर्जी से ये एंड होगी। Trees are also a renewable resource because forests are able to regrow. Forest भी रीग्रो होते जा रहे हैं तो ये भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 41 पर। जी यहाँ पर है, डू यू नो व्हाट नॉन रीन्यूएबल रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर? थिंक अबाउट व्हाट द ऑपोजिट ऑफ रीन्यूएबल वुड मीन। ओके, टाइम इज अप, हेयर इज द आंसर। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज वंस, एक मरतबा ही यूज हों, दोबारा यूज ना हो। वंस दे हैव ऑल बीन यूज, अब देर आर नो मोर ऑफ देम, ठीक है, देखें ना, और नहीं होगा, ठीक है। अगर एक तो हमने यूज कर लिया, ख़त्म हो गए तो बस ख़त्म। जैसे कोल, ऑयल एंड अदर मिनरल्स आर नॉन रीन्यूएबल। जी कोल और ऑयल जो है और अदर मिनरल जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल हैं। इफ़ ह्यूमंस कंटिन्यू टू यूज़ देम देन वन डे द अर्थ विल रन आउट ऑफ देम। द अर्थ डज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कोल एंड ऑयल एंड अदर मिनरल्स बट मच मोर स्लोली देन ह्यूमंस आर यूजिंग देम अप। देखें, हम कोयला कहाँ से ले रहे हैं, ऑयल हम कहाँ से ले रहे हैं, ज़मीन से ले रहे हैं ना, तो ये चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे आपने सुनते ही होंगे, कभी कभी सुना ही होगा कि जो गैस है या ऑयल है या कोई कोयला है जहाँ से निकलता है तो एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये कोयला या ऑयल कब ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स मीन वो जो चीज़ ख़त्म हो जाए वो क्या है, नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है। ओके, लर्निंग फन में हम देखते हैं, answering these questions, think of an ideal habitat for yourself. What different things would you like to have? जी आप अपने लिए क्या पसंद करते हैं? जी ये आपने question सोचना है next lecture तक के लिए, इसका answer क्या होगा, ठीक है। और remaining जो हम questions हैं वो इंशाल्लाह हम next lecture में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज आपने यही याद करना है, समझना है कि रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन कोई 5 to 10 नाम आपने लिखकर रखने अपने पास नोटबुक पे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।